हमने पास के तरफ, अतीत के तरफ, भूतकाल के तरफ देखने का नजरिया बदलना चाहिए। पास इज ओवर, भूतकाल खत्म हो चुका है, उसे भी कुछ नहीं कर सकते, जो भी हुआ वो हुआ। कितना ये कितनी मूर्खता है कि किसी ने मेरा अपमान कर दिया कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, किसी के ऊपर मेरा बहुत गुस्सा है, नफरत है, घृणा है, या किसी की मैंने आलोचना की, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और अभी मैं वो दिमाग में रख रहा हूँ और खुद को मैं दंड कर रहा हूँ, जुर्माना कर रहा हूँ, पनिश कर रहा हूँ। कितनी मूर्खता है। देखो, यदि हम पास में रहते हैं और अपने आप को मारते रहते, पीटते रहते, दंड करते रहते हैं, तो होता क्या है कि अनेक सारी बीमारियाँ होती रहती है। तो कोई डॉक्टर ने आपको बोला कि अभी पेट में अल्सर हो चुका है, अभी आपका ऑपरेशन करना होगा, और अभी आपको ऑपरेशन थिएटर की तरफ लेके जा रहे, तब आप बोलेंगे अभी मैं जो गलती की है पास में, मैंने घृणा किया, नफरत किया, गुस्सा किया है, अभी मैं नहीं करूँगा, तो अभी कुछ काम करने, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। तो उसकी मत राह देखो कि आपको बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, बहुत सारे ऑपरेशंस के लिए तैयार होना पड़ेगा, उसके बदले पहले ही पास्ट को ख़त्म करो। पास का जो गुस्सा है, नफरत है, घृणा है, पास में जो भी आलोचना की अपनी खुद की, लोगों की, उसके बारे में सोचो, उसको बंद करो। वैसे ही आपको टाइम निकालना पड़ेगा आपके डर कम करने का। जितना ज़्यादा डर, और वो इनअप्रोप्रिएट डर, क्या होगा, क्या नहीं होगा, चिंता, फिकर फ्यूचर के बारे में, उतने ही अपने जो दो सैनिक है दिमाग में, हार्मोन्स कौन से है, वो एड्रेनलिन और स्टीरॉइड, वो दो सैनिक जो उनका स्त्राव बहुत ज़्यादा होते रहता है और अपने अपने बॉडी को बीमारी ज़्यादा बढ़ते जाती है। तो उसके पहले ही आपने ये देखना चाहिए कि भाई मुझे डर लग रहा है, डर काहे को लग रहा है, डर क्यों लग रहा है, ये डर कहीं से भी पास से आ रहा है, वो भी पास में कुछ सब्जी हो गया, मैंने फ्यूचर में ला के रखा और मुझे भी डर लग रहा है, तो वो भी हमको बंद करना है ताकि हमारी बीमारियां ख़त्म हो जाएगी। यदि हम ऐसा विश्वास करते हैं कि मैं बहुत असहाय हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मुझे कोई हेल्प नहीं करता है, मैं बेचारा हूँ, तो ये जो नेचर है ना, यूनिवर्स, वो मेरे को उसमें सपोर्ट करेगा, वैसे लोग मेरे पास में आएंगे और वैसे होता जाएगा। और यदि मैं बोलता हूँ कि नहीं नहीं मैं पावरफुल हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए सभी संभव है, तो डेफिनेटली मैं कुछ भी करूँगा। ये दोनों के ऊपर बोलने के साथ साथ विश्वास होना बहुत जरूरी है। बिलीफ सिस्टम जो है वो अपने को चलाती है। तो बोलना और उसके ऊपर विश्वास करना कि नहीं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सभी संभव है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, रदर देन कि मैं बेचारा असहाय हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, जैसा बोलेंगे वैसा होगा। तो बोलना अच्छा है, उसके ऊपर विश्वास करना है, डेफिनेटली वैसा ही होता जाएगा। तो फिर हमको क्या करना है, हमको देखना है कि भाई रिजेंटमेंट मतलब नफरत, गुस्सा, घृणा, नंबर एक। नंबर दो, क्रिटिसिज्म, आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, कड़ा बोलना। नंबर तीन, गिल्ट फीलिंग, अपराध बोध की भावना रखना। और नंबर चार, डर। ये भावनाओं को जितना आप दूर रखेंगे, जितना समझ लेंगे कि भावनाएं आ रही है, उसका उतना अच्छा भला होगा। क्योंकि भावनाएं जो है वो हम में एक दूसरा भाव लाती है, कौन सा, कि मैं अच्छा नहीं हूँ, खराब हूँ। बार बार जब आप सोचते हैं तब डर लगने लगता है, चिंता होती है और बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है। तो ये चारों इमोशंस जो है वो थॉट के साथ में आते हैं। तो थॉट हमारे यदि हम बदलते हैं, और बुरे थॉट्स ऑटोमेटिक आते हैं, अच्छे थॉट्स क्रिएट करने, तो अच्छे थॉट्स क्रिएट करना है, उसके साथ साथ इमोशंस करना है, उसके ऊपर बिलीफ करना है, विश्वास करना है, तो देखो जिंदगी में मैजिक हो जाएगा। मैजिकली आप जिंदगी आपकी बदल सकोगे, आप बदल जाओगे, जिंदगी बदल जाएगी, आपके आजू बाजू के लोग बदल जाएंगे, जिंदगी ऐसी जिएंगे जिसके ऊपर आप प्यार कर रहे हैं और जो मजे से जी रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।